जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं SRA में होने वाले सेल परचेस के ऊपर। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है सेल परचेस। देखिए, लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम झोपड़ी खरीदे कि नहीं खरीदे, रिहाब फ्लैट खरीदे कि नहीं खरीदे, हमें क्या देखना चाहिए। तो आज उसी पे बात करेंगे, SRA में सेल परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए। चलिए बात करते हैं। देखिए कैसा है, अगर आज के डेट में कहीं स्लम अवेलेबल है, कहीं झोपड़ा अवेलेबल है और आप वहाँ पे सेल परचेज़ करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपको चेक करना है वहाँ पे SRA आया है कि नहीं आया है। अगर SRA आया है तो वहाँ पे NHL 2 बना है कि नहीं बना है। अगर आपको मालूम पड़ता है वहाँ पे NHL 2 बना है तो वहाँ पे आप ख़रीदी ना करें, क्योंकि जब NHL 2 बन गया होगा तो आपका ख़रीदी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस बंदे का नाम NHL 2 में एज अ ओरिजिनल स्लम ड्वेलर रहेगा, उसका नाम NHL 2 से चेंज नहीं हो सकता। देखिए, सोसाइटी, वहाँ पे कोई भी गलत डॉक्यूमेंट बनाने वाला एडवोकेट, ये सब बोलेंगे गलते कि हम अच्छा से पक्का डॉक्यूमेंट बना के देंगे, लेकिन कैसा है, उसका भुगतान आपको करना है। अगर कल के डेट में परेशानियाँ आती हैं तो आपको भुगतना है वो, ना तो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होगा, ना तो गलत है जो ब्रोकर गलत है आपको दिला रहे वो रिस्पॉन्सिबल है, ना तो कोई गलत है एडवोकेट जो पेपर बना रहे। रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे क्योंकि खरीदी बिक्री आप कर रहे हो। जब एक प्रोजेक्ट में SRA में NHL 2 बन जाता है तो वहाँ पे झोपड़ा आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो NHL 2 में नाम चढ़ जाता है वो नाम चेंज नहीं होता, किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली खरीदी बिक्री गलती के आपको लागू नहीं है। और SRA में क्लियर कट कहा जाता है कि खरीदी बिक्री 10 साल के बाद में लागू है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ऑटोमेटिकली क्यों जा रहे हैं, जब NHL 2 बन गया है तो आपको खरीदी बिक्री करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कहते हैं रोज़ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल इसी के आते हैं, मैं खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। इसीलिए सिंपल कट नहीं खरीदना है। फिर उसके बाद झोपड़े की बात यहाँ पे हो गई। अगर कहते कि मान लीजिए आप उसमें खरीदते हो, तो आप समझ जाइए आपका पहले दिन ही कहते हैं पैसा डूब रहा है, क्योंकि NHL 2 में किसी और का नाम है, आपने उसको पैसा दे दिया, वो लेके चला गया, लेकिन घर उसी के नाम पे रहने वाला है लास्ट तक। तो क्या उसके घर के लिए आपने पैसे दिए, तो समझ जाइए आपके पैसे तो डूब गए। तो ये सोचने वाली बात है, आपको ज़रूर सोचना चाहिए, इतनी मेहनत की कमाई है तो ऑटोमेटिकली आपको डुबाना नहीं है। होल्ड कर लीजिए, सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वहाँ पे गलते जब NHL 2 बन गया है तो झोपड़े में गलते पैसे मत लगाइए। अब बात आ गई रिहाब फ्लैट की। रिहाब फ्लैट कहते फ्लैट बन के रेडी हो गया, बिल्डिंग बन गया SRA का। अब क्या होता है, उसमें भी प्रोविज़न यही है, सेम प्रोविज़न है कि अगर अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट से 10 साल बाद ही खरीदी बिक्री कर सकते हो। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज 26 मई 2022 तक की बात कर रहा हूँ, कि 10 साल हो जाते हैं तो आप खरीदी बिक्री कर सकते हो, और उसका भी एक प्रोसीज़र है, सेल परचेज़ का प्रोसीज़र है। तो ऑटोमेटिकली देखिए, उससे पहले अगर कहते कि आप ख़रीद रहे हो, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, ये पावर अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, एफिडेविट, ये सब बना के कहते कुछ मतलब नहीं। जो ओरिजिनल ओनर है 10 साल बाद मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर, आपके प्रॉपर्टी का टाइटल ख़राब हो जाएगा, आपको परेशानी आने वाली है। क्योंकि कैसा है, मान लीजिए कहते कि आपने किसी प्रॉपर्टी में, रिहाब फ्लैट में SRA के ख़रीदी कर लिया 2 साल बाद। अब क्या है, किसी बंदे ने कंप्लेंट किया तो आपको SRA द्वारा 3E की नोटिस आएगी खाली करने का। तो आप सोचिए गलते कि आप उस फ्लैट को ख़रीद रहे हो जिसमें 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया दे के ख़रीद रहे हो, और आपको कभी भी नोटिस आ सकती है, कभी भी निकाला जा सकता है, और आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो क्यों ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जहाँ कि आपका पैसा पहले दिन ही डूब रहा है। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रिहाब फ्लैट में अगर आपको ख़रीदी करना है तो कम से कम अलॉटमेंट का जो लेटर मिलता है SRA से, उसके डेट से 10 साल बाद ही खरीदी बिक्री कर सकते हो, तभी SRA में जो ट्रांसफ़र ऑर्डर आपके नाम पे आ सकता है।
तब एक वैलिड परचेजर आप SRA में कहलाओगे। उससे पहले अगर कहते हैं आप झोपड़े में भी खरीदते हो, आप फ्लैट में भी खरीदते हो, तो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो, ठीक है। आपके ऊपर कभी भी गलते के कुछ भी हो सकता है। जैसे कि झोपड़े में गलते के लोग ख़रीद लेते हैं, फिर बिल्डिंग बन के रेडी होती है, तो जब अलॉटमेंट उनको करना रहता है तो वो ओरिजिनल ओनर रहता नहीं, तो डेवलपर सोसाइटी गलते 5-5, 6-6 लाख रुपए लेती है पोजिशन देने का, जो कि इलीगल है। लेकिन आप भी तो इलीगली फंसे हो, तो आप भी देते हो, तो क्यों ये सब चक्कर में फंसना आपको, ठीक है। क्योंकि कैसा है, जब कहीं पे गलते कि ये सब चीज़ है, आपको मालूम है, और हम बता रहे हैं आपको, हमेशा अवगत करा रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलते इलीगल है, और आप अपने पैसे गलत जगह पे वेस्ट ना करें, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। आपका SRA के झोपड़ा ले रहे हो, आप रिहाब फ्लैट ले रहे हो, देखिए जो प्रोविजंस है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको गलते कि आप खारिज नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ही सेल परचेस करना पड़ेगा, तो क्यों अपने पैसे वेस्ट करना। तो जहाँ तक की गलती कि जैसे झोपड़ा हो गया, फिर रिहाब फ्लैट हो गया, आपको क्लियर पॉलिसी है 10 साल बाद ही खरीद सकते हो। अच्छा, बहुत फ़ोन आते हैं, सर 3 साल हो गया, 5 साल हो गया। देखिए कैसा है, अभी तक उस पर कोई पॉलिसी आई नहीं, आज तक के डेट में नहीं आई है, ठीक है। 26 मई 2022 तक तो 10 साल का ही प्रोविज़न चल रहा है, तो अभी तक तो कोई पॉलिसी है नहीं कि 3 साल 5 साल, तो ऑटोमेटिकली मैं तो बोल नहीं सकता। जिस दिन पेपर में आएगा, जिस दिन में गलते उसका पॉलिसी GR आएगा, उस दिन गलते मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा कि भाई गलते अभी ये गलते पॉलिसी आ गई है, आप इसके तहत सेल परचेस कर सकते हो। लेकिन वो पॉलिसी आएगी तब पर भी वो 3 साल 5 साल वाले का क्या होगा, क्योंकि उसने तो पहले ही खरीदी बिक्री कर रखा है। पॉलिसी लागू तो जो डेट में होगी उसके बाद होगा, तो तब पर भी तो आप इनवैलिड हो ना, या तो आपको इलीगली गलते की काम करके उसको कैसे ना कैसे ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। तो देखिए, ज़रूरी ये है कि अगर SRA के झोपड़ी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सोच समझ के सेल परचेज बिल्कुल अलाउड नहीं है, 10 साल का क्लॉज अभी तक है, 10 साल का क्लॉज को गलते दरकिनार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है गलते कि जब 10 साल कंप्लीट हो जाता है, तो देखिए कैसा है, जो भी गलते कि फर्स्ट ओनर है, वो सेकंड जो सेलर है वो परचेजर को बेच सकता है। उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन वो भर के देगा, स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, सेम स्टैम्प ड्यूटी गलते कि फ़ीस गलते कि SRA में एज अ ट्रांसफ़र फीस लगेगा, ठीक है। और इसके बेस में ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू होगा, जो परचेजर होगा वो वैलिड परचेजर हो जाएगा रिहाब में, तो ऑटोमेटिकली ये परचेज है। और पॉलिसी भी यही है, ये पॉलिसी अभी तक तो यही है, अभी तक कोई पॉलिसी में चेंजेस नहीं है, तो क्यों गलते कि आप लोग फंस रहे हैं। और ऐसा नहीं गलते कि मैं खुद भी गलते के बताए जा रहा हूँ, पिछले गलते 3-4 साल से बताए जा रहा हूँ। मेरे पास आके गलते लोग एडवाइस लेके जाते फिर भी फंस जाते हैं, और फिर जब उनको नोटिस आती है फिर आके बोलते सर मेरे को ये नोटिस आ गई, तो हम बताते हैं नहीं परचेज करना है, फिर भी गलते कि आप उस खड्डे में गिरे जा रहे हो, तो आपको कितना बचाया जा सकता है। तो हमारा काम है आपको अवगत कराना, पॉलिसी से अवगत कराना, सेल परचेज करते ही करना है आपको, तो ऑटोमेटिकली सोच समझ के करिए, 10 साल की पॉलिसी लागू है, और जहाँ पे Annexure 2 बन चुका है वहाँ पे खरीदी बिक्री नहीं कर सकते आप। तो आज समझ गए होंगे सेल परचेज क्या है। और फिर भी कैसा है, आपको कहते इस बारे में सेल परचेज पे और भी डाउट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कहते हैं 10 साल, देखिए कैसा है, आपको जैसे 10 साल हो गया बिल्डिंग को अलॉटमेंट डेट से, फिर भी क्या डॉक्यूमेंट देखना है वो भी जानना ज़रूरी है। उसका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, Annexure 2 की कॉपी, शेयर सर्टिफिकेट, और उसके आधार कार्ड से चेक करें गलते कि वो एक्चुअली गलते कि ओरिजिनल टेनेंट है कि नहीं, ऐसा नहीं वो तीसरा चौथा गलते कि परचेजर हो और वो आपको बेच रहा हो, इनवैलिड हो जाएगा। ये सब चेक करें। अगर कैसा है आपको नहीं समझ में आता है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको गाइड करेंगे, टोटली सेल परचेज पे गाइड करेंगे। ऐसे तो SRA के हर एक मुद्दों पे हम आपको कहते हैं अवगत कराते रहते हैं और गाइड करते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि हर एक वीक में कहते हैं कि 250-300 लोग हमारे ऑफिस विज़िट करते हैं, हम उनको रास्ता दिखाते हैं। तो कैसा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कहते हैं कि बोर्ड नंबर्स पे कहते हैं आप कॉल कर सकते हैं,
और हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। सेल परचेज में भी आपका कोई इशू है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको दिशा निर्देश देते रहेंगे कि आपको करना क्या है और आप कैसे बचो। हाँ, अगर कोई फंस गया है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, तो हम देखेंगे अगर कोई राह गलते निकलने लायक होगी तो उसके लिए भी गलते के आपके लिए काम करेंगे, लेकिन संपर्क आपको ही करना पड़ेगा अगर इस भंवर से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, तो सेल परचेस SRA में सोच समझ कर करें। 10 साल का क्लॉज आज भी है, मैं बात कर रहा हूँ 26 मई 2022 की, आज भी 10 साल का क्लॉज लागू है, तो उस हिसाब से सेल परचेज करें। आपका पैसा बहुत कीमती है, बहुत मेहनत का है, तो सोच समझ कर डालें SRA में। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या चेक करना है, सब कुछ बताएंगे। हमसे संपर्क करिए तो हमको पूरी आपको गाइडेंस करेंगे सेल परचेज के ऊपर, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका पहले दिन ही पैसा बच जाएगा। ऐसे तो आप समझ गए होंगे सेल परचेज में, अब ये निश्चित जानता हूँ कि जो गलते कि आगे लोग SRA में बिना सोचे समझे सेल परचेस करके गलते डूबने जाने वाले थे, वो अब बच जाएंगे अगर वो हमारी सलाह को मानते हैं। तो ऐसे ही गलते कि जो हमारे एडवाइजेस इशू होते हैं, हमारे निर्देश इशू होते हैं, आप उसको ध्यान में रखें, आपके आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही बन जाएंगे। और अगर कोई भी समस्या हो SRA से रिगार्डिंग, आप हमको संपर्क कर सकते हैं, हमारे बोर्ड नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और जहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, आप हमें इतना मोटिवेशन दे रहे हैं तो क्या है, हमारे गलते वीडियोस को शेयर करते रहें, लोगों तक पहुँचाते रहें, ठीक है, लोगों को जागरूक करते रहें, हम आपको जागरूक कर रहे हैं, बीइंग अ फौजी मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है लोगों को जागरूक करें। आप SRA में हैं, SRA में रहते हैं, तो आपको SRA के लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं, कम से कम उनकी मदद हो, इतना तो कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो आज हमने जान लिया SRA में सेल परचेस करना, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। आगे ऐसे ही SRA के मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।